हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है? सत्ता की साझेदारी। ओवरव्यूज। थ्रू दिस चैप्टर वी कंटिन्यू द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी बिगेन लास्ट ईयर। वी नोटिस लास्ट ईयर दैट इन ए डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट। An intelligent allocation of the power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of democracy. In this and the next two chapters, we sustain this notion of allocation of power forwards. We begin with two stories from the Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how demands are handling by the democracy for power sharing. The stories yield some general conclusion about the requirement for power sharing in democracy. This permits us to discuss different form of power sharing that will taken up in the following two chapters. इसमें क्या बताया गया है कि सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र का मूल मंत्र मानी गई है। लोकतंत्र शासन में लोकतंत्र से प्रभावित होने वाले तथा उसका जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ने वाले को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है और लोगों के पास इस प्रकार इस बात का भी अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। जैसे लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है कि हर प्रकार की जो है राजनीतिक शक्ति स्रोत की पूजा होती है। लोकतंत्र में लोक स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। जैसे एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार में समाज में उपस्थित विभिन्न समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। इसमें मतलब कि सभी के मतों को रखा जाता है और तभी नीतियों का निर्माण किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समुची शक्ति संपूर्ण अधिकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं होते। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पूर्ण समन्वय के साथ सत्ता का विभाजन होता है। लोकतंत्र के क्रियाकलापों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। जैसे प्रथम तीन अध्यायों में सत्ता के विभाजन पर चर्चा करेंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो प्रसिद्ध घटनाओं का आरंभ करते हैं और इसमें जो है विभाजन की प्रबल मांग का समाधान करेंगे। इन घटनाओं के माध्यम से हम सत्ता के विभाजन की आवश्यकता को सुगमता पूर्वक समझेंगे और उसकी अच्छी तरह से व्याख्या करेंगे। नाउ बेल्जियम एंड श्रीलंका। इन यू नो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, स्मॉलर इन द एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट इज बॉर्डर्ड विद द फ्रांस एंड नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्सबर्ग। इट इज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ ए लिटल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। द एथनिक फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Of the country, total population 59% resides in the Flemish area and speak Dutch language. Another 40% population live in the Wallonia area and speak French, and left 1% of Belgians speak German. 80% speak French, while 20% are the Dutch speaking in the capital city Brussels. इसमें क्या बताया गया है कि आपको ज्ञात होगा कि जो बेल्जियम है एक छोटा सा देश है, जो जिसका जो क्षेत्रफल है हमारे हरियाणा प्रांत से भी कम है। इसमें फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्सबर्ग इसके सीमावर्ती क्षेत्र है। बेल्जियम की जो जनसंख्या है 1 करोड़ से कुछ अधिक है, लेकिन हरियाणा की जनसंख्या से लगभग आधी समझिए। लेकिन इस छोटे से समाज के जातीय विभाजन का जो ताना बाना है बड़ा ही जटिल है। जैसे बेल्जियम की कुल जनसंख्या में 59% लोग जो फ्लेमिश क्षेत्र में निवास करते हैं, यहाँ के निवासी अपनी बोलचाल में डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं और 40% लोग जो हैं वॉलोनिया क्षेत्र के निवासी हैं वो फ्रेंच भाषा को सुनते और पढ़ते हैं। शेष जो बाकी 1% है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो हैं वो डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। The minority French-speaking community was comparatively rich and the powerful. This was disliked by the Dutch-speaking community, who received an advantage of economic development, education much later. This resulted discomfort between the Dutch-speaking the French-speaking community during the 1950 and 60. In the Brussels, the discomfort between the two communities was more acute. Brussels introduced a special प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल वर इन द मेजोरिटी इन द कंट्री इन द कैपिटल।
Now we will compare this to the condition in another country. Sri Lanka is an island country just a several kilometer off the southern coast of Tamil Nadu. There are about 2 crore people, approximately the same as the Haryana. Like other country in South Asia region, Sri Lanka has a different population. The chief social groups are Sinhala speak 74% and Tamil speaker 18%. There are the 2 subgroups among the Tamils who are called Sri Lankan Tamil 13%. Left whose forefathers came from India during colonial period as a plantation worker, the known as the Indian Tamils. It can be seen in the map Sri Lanka. Tamils are concentrated in the north and east of the country. Majority of the Sinhala speaking people are Buddhist, whereas majority of Tamils Hindu Muslim. There are 7% Christian who belong to both Tamil and Sinhala sect. इसमें क्या बताया गया है कि फ्रेंच भाषी लोग जो हैं वहाँ अल्पसंख्यक थे और बहुसंख्यक जो थे बहुत अधिक समृद्ध थे, अमीर थे, और इसी तरह से उनका आर्थिक विकास, उन शिक्षा की सुविधाएं भी दी जाती थी, और इसी से जो लोग थे जो कम थे वो क्या करते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे. इन स्थितियों के अंतराल में 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच भाषी समूहों के बीच तनाव की स्थिति बनने लगी और इन दोनों समुदायों में टकराव का जो सबसे विशाल परिणाम ब्रुसेल में दिखा. और अपने आप में एक विशेष समस्या थे कि डच भाषी लोग संख्या के अनुरूप तो बहुत थे लेकिन समृद्धि संपन्नता के क्षेत्र में वह असक्ष और अल्पमत थे, यानी उनकी संख्या जो है बहुत ही कम थी. और इस तरह आइए इस स्थिति का एक अन्य देश से भी अध्ययन करते हैं. इसमें श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप है जो तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है. इस देश की जो जनसंख्या है वो तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है. इस देश की जनसंख्या भारत के हरियाणा के प्रदेश की जनसंख्या के समान है. और इसमें क्या बताया गया है कि दक्षिण एशियाई देशों के समान श्रीलंका के निवासी कई जातियों और समूहों में बंटे हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम सिहलियों का सामाजिक समूह है जिनकी सहभागिता कुल जनसंख्या का 74% है, और दूसरे स्थान पर 80% जो है 18% भागीदारी दिखाई गई है. श्रीलंका निवासी तमिल भी 2 समूह में बंटे हुए हैं. एक तो श्रीलंकाई मूल के तमिल निवासी है जो 13% है, और भारतीय तमिल जो औपचारिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे वो उन व्यक्तियों की संतानें कहा जाता है. वर्तमान श्रीलंका के मानचित्र पर देखें तो हमें पता लगेगा कि तमिल मुख्यतः उत्तरी और पूर्वी भागों में अधिक रहते हैं. अधिकांश सिहली भाषा लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं. श्रीलंका के वह निवासी जो तमिल भाषा बोलते हैं और जानते हैं उनमें हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्मों में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं. श्रीलंका की जनसंख्या का 7% भाग जो है दोनों समुदाय यानी सिहली तमिल भलीभांति जानते हैं, उनको समझते हैं. इमेजिन इन सिचुएशन लाइक दिस व्हाट कुड हैपन इन बेल्जियम. द डच कम्युनिटीज कुड टेक बेनिफिट ऑफ न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड कंपेयर टू इट्स ऑन द फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन. हालांकि इसमें जो है सबसे ज्यादा जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जर्मन भाषा बोलते हैं वो जर्मन लोग ही हैं. दिस वुड प्रोपल द डिफरेंस अमंग कम्युनिटीज फर्दर. दिस कुड रिजल्ट इज ए वेरी कन्फ्यूज पार्टीशन ऑफ द कंट्री. बोथ द पार्ट वुड डिमांड कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स. In Sri Lanka, the Sinhala community appreciate an bigger majority and could enforce its will on the whole country. Now let us study at what happened in both these countries. मतलब कि आप कल्पना करते हैं कि इनकी स्थिति क्या हो सकती है. जैसे बेल्जियम में डच भाषी जो है बहुत संख्यक लोग रहते हैं और इसमें बल के आधार पर फ्रेंच भाषी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग जो हैं व्यक्तिगत आकांक्षाएं अपने हितों के लिए करते हैं और ये अल्पसंख्यक लोगों पर अपनी जो हैं बातें थोपते हैं, जिसके कारण दोनों वर्गों में जो संघर्ष इतना बढ़ गया है कि बेल्जियम के लिए विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है. संभवतः देश के जो हैं विभाजन जो है कगार पर पहुंच गया है. इस तरह से सिहली भाषी बहुसंख्यक जन समुदाय जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के निहित अपनी भावनाओं से दूसरों को आरोपित करते हैं. अब जिज्ञासा का विषय यह है कि इन दोनों देशों ने समाधान क्या खोजा है.